मैं आज आपको डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। वो क्वेश्चन जो है अक्सर इस क्वेश्चन के अंदर जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि या तो उनको फार्मूलाज याद नहीं होते या उनको चीज़ की ट्रिक नहीं पता होती कि किस तरह से डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको तरीका ही बताऊँगा कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो है किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने एक चीज़ और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक आती रहें। और जब वीडियो देख लें तो बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास दो फंक्शन है जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब भी कभी ऐसी कंडीशन दी जाए दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हों तो याद रखिएगा उसके लिए जो है एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो रूल क्या होता है, वो डिवीजन रूल कहलाता है। असल में वो डिवीजन रूल है क्या, डी ओवर डी एक्स यू डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू वी डी ओवर डी एक्स यू माइनस यू टी ओवर डी एक्स और ये आ गया वी और वी का स्क्वायर। अगर आप ये चीज़ देखें ये कहलाता है वहाँ पर डिवीजन रूल। अब ये डिवीजन रूल है क्या, अगर आप देखें हमारे पास तो दो वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ एक यू है और एक वी है। सिंपल मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, सही है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सही है। अब यहाँ पे यू क्या है और वी क्या है, अगर आप नोट करो यू हमारे पास ये है और वी हमारे पास ये है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा, अब मैं वैल्यूज को रखूंगा वी, सिंपल वैल्यू रखनी है वी की। वी की वैल्यू क्या है भाई, कॉस स्क्वायर थ्री एक्स है, डी ओवर डी एक्स है, डेरिवेटिव है किसका u का, साइन 2x है, साइन 2x हो गया, उसके बाद आ गया माइनस साइन 2x आ गया, उसके बाद d ओवर dx आ गया और फिर आ गया cos स्क्वायर 3x का आ गया डेरिवेटिव और v का स्क्वायर का मतलब ये हो गया cos स्क्वायर 3x का आ गया होल स्क्वायर। ये हमारे पास चीज़ दी हुई थी, हमने इसको सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला जैसा था वैसे ही हमने इसे पुट कर दिया। अब करना ये है कि आपको डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, कॉस स्क्वायर थ्री एक्स दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे डेरिवेटिव जो है इस चीज़ का लेना है, साइन टू एक्स का। याद रखिएगा जब भी हमें ऐसी कंडीशन दी जाए साइन टू एक्स दिया हुआ है तो हम साइन का डेरिवेटिव अलग लेंगे और उसका जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव हम अलग लेंगे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ, डी ओवर डी एक्स, मैंने इस पहले इसका एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल क्या है टू एक्स है भाई। अच्छा, उसके बाद साइन लिख दिया मैंने यहाँ पे, साइन सॉरी डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स और साइन टू एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे और माइनस का साइन लगाया मैंने यहाँ पे, साइन लिख दिया यहाँ पे, टू एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। अब चेंजिंग क्या आ गई है, यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया है। सर आपने अभी कहा था कि एंगल का डेरिवेटिव लेना है अलग, सही है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है अलग, मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लिया है, एंगल का डेरिवेटिव अलग लिया है, लेकिन अब तो पावर भी आ गई है। तो याद रखिएगा अगर कभी ऐसी कंडीशन दी जाए तो पावर का डेरिवेटिव भी हम अलग लेंगे। कुछ इस तरह से डी ओवर डी एक्स ले लिया मैंने यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थ्री एक्स लिख दिया, ये हो गया पावर का डेरिवेटिव, यहाँ पे हम लेंगे। अच्छा, एंगल क्या है थ्री एक्स है, उसका डेरिवेटिव अलग लूंगा और फंक्शन जो है यहाँ पर क्या है कॉस थ्री एक्स, मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे वी का स्क्वायर क्या है हमारे पास, वी का स्क्वायर अगर आप देखो स्क्वायर मल्टीप्लाई होती है पावर से पावर, कॉस फोर थ्री एक्स हो गया, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है। अब हम लेंगे डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव अगर मैं लूँ कॉस स्क्वायर थ्री एक्स, टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल टू होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में लिख दिया टू। यहाँ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस, कॉस टू एक्स लिख दिया यहाँ पे, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब अगर आप नोट करो यहाँ पे ये हो गया माइनस का साइन लगाऊंगा यहाँ पे, साइन टू एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, कॉस स्क्वायर मतलब मैं किसका ले रहा हूँ पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे लूंगा, किसका लूंगा पावर का, पावर क्या होती है वन माइनस होगा और टू नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी कॉस स्क्वायर थ्री एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं थ्री एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्री आएगा और कॉस का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे साइन आएगा, साइन थ्री एक्स आएगा और डिवाइड बाय कॉस फोर थ्री एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहा है। अगर आप नोट करो इसके अंदर मैं एक चीज़ कॉमन ले सकता हूँ,
कॉमन क्या चीज मैं ले सकता हूँ इसके अंदर, कॉस स्क्वायर थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि कॉस थ्री एक्स इसके अंदर भी है, कॉस थ्री एक्स इसमें भी है, दोनों वैल्यूज के अंदर। वैल्यू क्या है, ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू है, तो उसमें मैं कॉस थ्री एक्स में कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं कॉस थ्री एक्स यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, कॉस थ्री एक्स, अब थ्री एक्स ही मैंने क्यों कॉमन लिया भाई, बड़ी ज्यादा वैल्यू को लूंगा, मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर था वो क्यों ही लिया मैंने, वो इस वजह से ही लिया क्योंकि यहाँ पे वन था, अगर दोनों बराबर होने चाहिए ना इक्वल, तो यहाँ पे वन था इस वजह से मैं कॉस थ्री एक्स ले रहा हूँ सिंपल। अब कॉस थ्री एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ टू बचेगा यहाँ से, तो और क्या बचेगा, कॉस टू एक्स बचेगा यहाँ पे, और फिर इसका माइनस का साइन आ जाएगा, साइन टू एक्स बचेगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे कॉस थ्री एक्स गया बाहर, ये टू तो बचेगा, टू थ्री से क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, तो अगर मैं चाहूँ तो सिक्स यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, शुरू में लिख दिया मैंने यहाँ पे सिक्स। अच्छा ये खत्म हो गई बात, अब यहाँ बचा साइन थ्री एक्स बची है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ हो गया अपने पास कॉस फोर थ्री एक्स आ गया, कॉस फोर थ्री एक्स आ चुका है हमारे पास। अब अगर नोट करो, अब इससे ये चीज़ कैंसिल हो सकती है, क्यों हो सकती है, एंगल सेम है, सिर्फ और सिर्फ पावर का फर्क है, पावर एक है, एक कॉस एक्स एक कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ तीन बचेंगे मतलब यहाँ पे नीचे। सो हमारे पास जो आंसर आता है सिंपल, मैं अगर आपको आंसर बताऊँ, वाई इज इक्वल टू टू कॉस टू एक्स माइनस का साइन सिक्स टू एक्स साइन थ्री एक्स डिवाइड बाय कॉस थ्री, थ्री बचेगा यहाँ पे और यहाँ बचेगा थ्री एक्स, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव।